Hey guys, welcome you all to my YouTube channel NTA UGC Net GRF Environmental Sciences. Myself Piyush Kumar Verma, और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं कि वॉट इज़ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि अगर हम बात करें तो इस बार जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ है वो वेरियस जो आपके सेक्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से आपके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनसे यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. और ये आपका डेटा है 31 जुलाई 2020 का, यानी कि इससे पहले, यानी कि 2019 और 2020 31 जुलाई तक जितना भी आपका जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, किस किस सेक्टर में हुआ है, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. और याद रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर बात करूँ मैं टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सो एज ऑफ यहाँ पर देखिए तीन सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा. उसमें है आपका सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जिसमें से सेंट्रल सेक्टर का जो टोटल यहाँ पर रहा है 94,027 मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ है, जबकि स्टेट सेक्टर की मैं बात करूं तो वहां पे आपका है 1,03,652 मेगावाट, एंड प्राइवेट सेक्टर में है आपका 1,74,298, यानी ओवरऑल 3,71,977 मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ है. और यहां पर अगर मैं फिर बात करूं अदर सोर्सेज, जैसे कि अदर फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल टोटल थर्मल से अगर देखा जाए तो टोटल थर्मल से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हुआ है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 2,31,456 मेगावाट, जिसमें आपके वेरियस सोर्सेज हैं जैसे कि कोल, लिग्नाइट, गैस एंड डीजल. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोल का सबसे ज़्यादा अभी भी कंट्रीब्यूशन है 1,99,595 मेगावाट, जबकि लिग्नाइट का है इसमें अगर देखें तो लिग्नाइट का 6,360 मेगावाट, एज वेल एज अगर गैस की मैं बात करूं तो यहां पर 24,992 मेगावाट, जबकि डीजल का है 510 मेगावाट. तो ये बहुत ही बड़ा फिगर है, यानी अभी भी हम लोग जो टोटल एनर्जी है, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, उसमें हम कोल पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है. कंपेरेटिव टू अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वो है आपका हाइड्रो, यानी रीन्यूएबल रिसोर्स है ये. तो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन रहा है 45,699 मेगावाट. तो यानी कि इस हाइड्रो पावर सोर्स से यहाँ पर जो है टोटल जनरेट हुई जो इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी उसका फिगर ये है 45,699. जबकि न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर जो आपकी सोर्स है उससे यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है 6,780 मेगावाट, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी जो आपकी सोर्सेज हैं उनसे आपका 88,000 यहाँ पर 42 मेगावाट जनरेट हुआ, यानी कुल मिला के 3,71,977 मेगावाट का प्रोडक्शन इस साल हुआ है. सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर इसमें मेन पॉइंट क्या है, तो मेन पॉइंट ये है कि मैक्सिमम जो आपका इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हुआ है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आपके थर्मल सेक्टर से हुआ है, एंड देन रिसोर्सेज हैं इनसे आपका करीब 88,042 मेगावाट, यानी कि ये सब बहुत बड़ा फिगर है. तो सबसे पहले आपका आता है कह सकते हैं कि थर्मल, एंड देन आपका रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, एंड उसके बाद जो है आपका देन थर्ड पे है आपका हाइड्रो पावर, एंड देन फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका न्यूक्लियर पावर. तो ये आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो किस किस सेक्टर से हो रहा है. तो मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका थर्मल पहले नंबर, दूसरे पे आपका है रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरे पे आपका हाइड्रो, एंड चौथे पे आपका न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.